हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक नोमान में। आज आपके लिए लेके आऊँ की टेक न्यूज़। आज दूसरी टेक न्यूज़ मैं आपको डेली दे रहा हूँ, आज टाइम मिल रहा है तो इसलिए दे रहा हूँ। दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है वो मोटो की तरफ से। मोटो अपनी एक सेल लॉन्च कर दिया है, मतलब सेल आ गई है मोटो की फ्लिपकार्ट में। तो आपको कुछ भी 22 फरवरी से 24 फरवरी में आप लेना चाहते हो मोटोरोला का फ़ोन, तो तीन फ़ोन में उनकी सेल लगी। भारी भरकम जो मोटो का E4 Plus है वो 7,500 रुपये में आपको सिर्फ मिल जाता है। 3 GB ROM 32 GB वाला वेरियंट जिसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है। तो आप ले रहे हो तो भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हो, आपकी ये आपके ऊपर है। और आपको मोटो X4 जो 32 GB वाला वेरियंट है वो भी आपको 19,000 रुपये में मिल जाता है। तो आप वो भी जाके ले सकते हो, आपके ऊपर है। और मोटो X4 64 GB वाला वेरियंट जो है वो आपको मिलता है 22,999 में, मगर आज मिल रहा है आपको 21,000 में। तो आप वो भी देख सकते हो। अब बात कर देते हैं मोटो Z2 प्ले की, तो उसमें आपको 28,000 का मिलता है, मगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ 23,000 में मिल रहा है। तो आपको ऐसे फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो जाके फ्लिपकार्ट में आप ले सकते हो 22 से 24 फरवरी को। मेरे सबसे बहुत अच्छे ऑफर्स हैं फ्लिपकार्ट में, और मोटोरोला के फ़ोन भी अच्छे ही होते हैं, इतने भी बुरे नहीं होते। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। जो अगली खबर है वो वीवो की तरफ से। वीवो अपने एक फ़ोन लॉन्च कर सकता है चाइना में एक जल्दी, जिसका नाम है वीवो एक्स। तो ये इसमें आपको 4 कैमरा मिलेंगे और 18.9 इंच डिस्प्ले मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ नया है इसमें, और आपको इसमें एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, एंड्रॉयड 7 एंड्रॉयड 8 के ज़माने में। और आपको गोरिल्ला ग्लास की 3D प्रोटेक्शन मिलेगा दोस्तों, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। और आपको मीडियाटेक का पीडियो का P25 का प्रोसेसर मिलेगा जो 2.6 GHz में क्लॉक्ड है। अब बात कर लेता हूँ इसके कैमरा की, तो भाई 4 कैमरा दिए हैं, 20 MP 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा आपको। और अब बात कर लेता हूँ बैक कैमरा की, तो आपको उसमें मिल जाता है 13 MP और 5 MP का बैक कैमरा, देख लो दोस्तों। और इसमें बैटरी भी अच्छी दे दी है इस बार वीवो ने, वरना बैटरी उनकी हमेशा फालतू होती थी। तो इसमें 4,010 mAh की आपको बैटरी मिलेगी फास्ट चार्जिंग के साथ। और अब बात कर देते हैं रैम और स्टोरेज की, तो 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप 64 और एक्सपांड कर सकते हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो वीवो ठीक ठाक फोन है, मगर जो प्राइसिंग होगी वही मेन थिंग आ जाता है। महीलू का प्रोसेसर भी दे दिया है, तो कोई कुछ कर नहीं सकती वीवो को। जब ये आएगा इंडिया में तो आपको जरूर बता देंगे और अपना ओपिनियन दे देंगे। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। जो अगली खबर है वो मोटोरोला की तरफ से। जैसे मैंने मोटोरोला का एक डेडिकेट वीडियो बनाया था दोस्तों, जो मोटोरोला अपने 3 फोन लॉन्च करने वाला है उसके बारे में फिर से लीक्स और रूमर्स आ रही हैं। जो डुअल कैमरा आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको एंड्रॉयड 8 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 630 का प्रोसेसर मिलेगा, बैटरी 3,250 mAh की, आपको मोटो का G6 Plus की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, MWC 2018 में मेरे को सबसे अच्छा मोटो G6 Plus लग रहा है, क्योंकि प्ले और मोटो G6 इतना अच्छा नहीं है जितना प्लस है। दोस्तों, अब मैं जब ये लॉन्च होगा तो मैं आपको पूरी डिटेल एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। आप मुझे सबसे दोस्तों देख लेते हैं, ये 3 फोन जब आएंगे MWC 2018 में तो आपको जरूर बता देंगे। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, जो अगली खबर है वो आइडिया की तरफ से। आइडिया ने अपने नया प्लान लॉन्च कर दिया प्रीपेड यूजर्स के लिए। इसका जो प्लान का दाम है वो 109 रुपये है। आपको 1 GB की डेली लिमिट मिलेगी 4G वोल्टी के साथ, और इसमें आपको 250 मिनट का पर डे कॉलिंग मिलेगा, और 1,000 मिनट का आपको पर वीक मिलेगा कॉलिंग। तो आप लोग दोस्तों देख लीजिए, आपको 100 SMS आपको फ्री मिलते हैं पर डे, तो देख लो 14 दिन का वैलिडिटी है। तो मेरे हिसाब से यार बिल्कुल मत जाना इसकी तरफ। 150 का जियो का प्लान है, बेस्ट प्लान है, आपको 1.5 GB महीना दे रहा है, तो वो जाके ले लो। आइडिया तो छोड़ो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। रेडमी नोट 5 प्रो दोस्तों, आप लोग ने लिया तो प्लीज़ दोस्तों मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपने रेडमी नोट 5 प्रो को ले लिया कि नहीं। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उसने आपने वो यूज़ की कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों कि मोटो का Mi.com में आपको मिल जाता है, मगर फ्लिपकार्ट में मिलना तो एकदम ही मुश्किल है, क्योंकि सब जाके फ्लिपकार्ट ही में बैठे रहते हैं। दोस्तों, मैंने वैसे मैं मंगाने नहीं वाला था, बट मैं बहुत लोगों को देखा, उन लोगों को नहीं मिल पाया, इसलिए कोई बात नहीं यार, आपको अगले सेल में मिल जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। दोस्तों, जो अगली खबर वो LG की तरफ से। LG अपने 2 फोन लॉन्च करने वाला है MWC 2018 में। तो एक का नाम है K8 2018 Edition और एक है K10 2018 Edition। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं K8 की। आपको 2018 Edition में आपको 1.6 GHz का प्रोसेसर दे दिया है, 2 GB की रैम है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, 8 MP का बैक कैमरा LED फ्लैश के साथ, 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और एंड्रॉयड ओरियो के साथ। अब 5 इंच की आपको HD स्क्रीन दे दी है दोस्तों, और फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2500 mAh की बैटरी, और ये MWC 2018 में आएगा। इसमें बहुत सारे कलर दे दिए, गोल्ड, ब्लू, ब्लैक, ये सब कलर दे दिए हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो प्राइस की 10-15 हज़ार रखेगा LG। अब देख लेते हैं MWC 2018 में क्या प्राइस रखेगा, क्या होगा भाई
LG का कुछ कर ही नहीं सकते दोस्तों। अब अगले बात कर लेते हैं K10 2018 की, तो आपको इसमें 1.5 GHz का अनोन का प्रोसेसर दे दिया है, 2 GB की रैम है और आपको 3 GB रैम वाला वेरियंट भी है, एक प्लस है, और तो उसमें आपको दो वेरियंट मिलते हैं। 5.3 इंच की HD स्क्रीन है IPS की, 8 MP का और आपको बैक कैमरा मिलता है, 13 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, तो ठीक है यार। और अब बात कर देता हूँ उसके इंटरनल स्टोरेज की, तो आपको मैंने बोला जैसे 16 GB और 30 GB वाला वेरियंट मिलेगा आपको, आप इसमें एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 128 GB और 3000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगा विथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें भी आपको 3 कलर ब्लू ब्लैक गोल्ड, तो देख लो दोस्तों जब ये आएगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा और जो इसकी प्राइसिंग होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा और आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो शाओमी की तरफ से, शाओमी का A2 थोड़ा लीक्स और रूमर्स आए, आपको 5.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 12 MP के डुअल कैमरा आपको बैक में मिल जाएंगे, 8 MP का फ्रंट एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, 3300 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी। तीसरी लीक्स थी दोस्तों, मेरे हिसाब से यार थोड़ा इंप्रूवमेंट है बट बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए था, बैटरी 3300 की जगह 4000 कर देते तो मज़ा आ जाती, और इसमें आपको बस 12 मेगा पिक्सल तो उसमें भी मिल जाता है कम से कम, और थोड़ा अच्छा कर देते तो बहुत मज़ा आ जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। जो अगली खबर है वो भी शाओमी की तरफ से दोस्तों, शाओमी अपना मी मैक्स 3 बहुत जल्दी इंडिया में फ़ोन लॉन्च कर मतलब चाइना में लॉन्च कर सकता है। जो मी मैक्स 2 से आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो मी मैक्स 3 आने वाला है, 5.99 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, BZLS स्क्रीन मिलेगी, आपको डुअल कैमरा मिलेगा और आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। जो नई लीक है वो है इनकी फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे सबसे बहुत अच्छी बात है, एक नई टेक्नोलॉजी ला रहा है शाओमी मतलब अपने मोबाइल में, तो बहुत मज़ा बात है। तो दोस्तों आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल बटन दबा देना और घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।